पंचकुला में चुनाव है, उसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, तो आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 1 में। ये हमारे सामने मौजूद है, आज हम उनसे बात करेंगे, सुखदेव सिंह जी, जो कि इंडिपेंडेंट पार्टी से हैं, आजाद पार्टी के हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि इनके जो मतदान 27 को है उसको लेकर इनकी मैदान में क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। तो सुखदेव जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी जो तैयारियां चल रही हैं मतदान को लेकर, 27 तारीख को जो मतदान है, तो सबसे पहले तो आप किस तरीके से तैयार हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं कैंपेन को लेकर? सत श्री अकाल जी, हम घर घर में जा रहे हैं, हर गली में जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं सबसे आशीर्वाद मिल रहा है हमें और भरपूर समर्थन मिल रहा है। आज हम गए थे मनसा देवी, माता मनसा देवी के, वहाँ जाके हर घर में गए हैं और बैंसा टिब्बा गए। अब आज का प्रोग्राम हमारा स्केतरी का, स्केतरी जाएंगे। तो ठीक है, आपने मनसा देवी से आशीर्वाद से, माता के आशीर्वाद से आपने आगे की कैंपेन शुरू करे हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी आपकी वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? यहाँ की मेन समस्या तो सीवरेज की है और गलियों की है। यहाँ मेरे साथ ही गाँव है महादेवपुरा, हमारे वार्ड में ही है, वहाँ की कब्रिस्तान की चारदीवारी है, वहाँ काफी गंदगी है। ठीक है, तो जब अगर आपके लोग जो है आपका वार्ड आपको वोट देते हैं, आप जीतते हैं, तो उसके बाद आपने क्या ठान रखा है कि कुछ वादे होंगे, कुछ सोचा आपने करने से, क्या करने वाले हैं? जो भी ये यहाँ पिछले MC थे उनके अधूरे काम है हम पूरे करेंगे, जैसे सीवरेज का काम है, ये गलियों का काम है, एक यहाँ CCTV कैमरे की दिक्कत है, ये अभी लगे नहीं है, यहाँ सिक्योरिटी की ज्यादा जरूरत है, और स्टेडियम के लिए, बच्चों के लिए यहाँ स्टेडियम नहीं है। ठीक है, धन्यवाद जी। तो जैसा कि आपने देखा कि सुखदेव सिंह जी के साथ वार्ड का पूरा सब लोग इकट्ठा है और इनके रेड की हड्डी बने हुए हैं, अभी ये अपने मतदान के लिए जोरों शोरों पर मैदान पर उतर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहता है 27 तारीख को, क्या रहता है रिजल्ट। तब तक के लिए आप बने रहिए अर्थ प्रकाश TV पर, मैं शशि चौरसिया कैमरामैन दीपक चौहान के साथ। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।